हेलो, मेरा नाम दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, एनएलपी ट्रेनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड कोच, ऐसा अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आपको आज बताने वाला हूँ अंतर मन की आवाज। जैसा हमने पहले कई वीडियो में आपको बताया कि हमको दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड एक सबकॉन्शियस माइंड। और ये अंतर मन जो है सबकॉन्शियस माइंड, इसमें कंटिन्यूअसली एक बात चालू रहती है। हम अपने आप से बात करते रहते हैं। करीब करीब 50,000 से 60,000 थॉट्स, विचार दिमाग में हर रोज आते रहते हैं। और ये कंटिन्यूअसली जब चालू रहते हैं विचार दिमाग में, तो फिर होता क्या है कि हम वर्तमान को मौजूद ही रहते नहीं। वर्तमान में क्या हो रहा है इसके साथ में हम रहते नहीं। होता क्या है कि मैं किसी से बात कर रहा हूं, अंदर जो बात चालू है, जो आवाज, जो थॉट्स कंटिन्यूअसली एक सर की मेरे दिमाग में चालू है, अभी वो आवाज चालू है, आवाज से मैं वर्तमान में मौजूद रहता ही नहीं। होता क्या है कि जो चालू है वो मैं कहाँ से सुनता हूँ, मुझे जो चाहिए वहां से सुनता हूँ। मतलब वो जो आवाज जो है अंतर मन में, वो आवाज किसी ने कुछ बोला तो उसको जैसा का वैसा सुनती नहीं। किसी ने कुछ बोलने के बाद में उसके ऊपर अपना मत देती है, राय देती है, उसका न्याय निवाड़ा करती है, बराबर है, सही है, गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच के फिर अंदर उसको लेती है। इसका मतलब क्या है कि मैं वर्तमान को मौजूद रहता नहीं हूं। मेरे हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अंतर मन में डायलॉग चालू रहते हैं, हर किसी के बारे में। सुबह उठने से रात को सोने तक कंटिन्यूअसली एक सरी का मेरे दिमाग में वो विचार चालू है। वो लोगों के बारे में विचार चालू है, परिस्थिति के बारे में विचार चालू है। और वो जो विचार है, वो जो आवाज चालू है, वो जो बातचीत चालू है मेरी मेरे से, उसमें होता क्या है कि उसमें मैं उसमें बिजी रहता हूँ। मतलब कुछ मन मेरा अंदर रहता है, कुछ विचार अंदर चालू रहते हैं और वो अफेक्ट करते हैं जो हो रहा है सामने उसमें। फिर मेरे रिश्तों में होता क्या है कि मेरे सामने जो भी व्यक्ति आता है उसके बारे में ऑलरेडी मेरे मन में कुछ ना कुछ आवाज चालू है, कुछ ना कुछ विचार है। अभी मैं वो व्यक्ति को वहां से सुनता हूँ। समझो, एक बहू है, सासू सामने आई, सासू माँ। अब सासू माँ सामने आने के बाद में सासू माँ के बारे में उसके मन के अंदर जो भी विचार चालू है वहां से वो सासू माँ को सुनती है। सासू माँ जो बोल रही है वैसा नहीं सुनती है, सासू माँ के बारे में जो विचार चालू है वहां से उसको सुनती है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हम जो चालू है उसको ना सुनते हुए हमको जो चाहिए उसको सुनते हैं, हमको जो अच्छा लगता है उसको सुनते हैं, हमारी जो राय वहां से सुनते हैं। और फिर उसका प्रभाव हमारे रिश्तों के ऊपर बहुत सारा है, बहुत सारा प्रभाव है। देखो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे रिश्ते लोगों से कैसे दूषित हुए हैं। मैं लोगों से वो जैसा है वैसा उसके साथ में रिश्ता मेरा नहीं है, वैसा मैं उसको सुनता नहीं हूँ। उसका इम्पैक्ट प्रभाव है। ये जो अंतर मन की जो आवाज है वो आवाज एक सर की चालू है और वो बहुत बार, मतलब काफी बार, वो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है। मतलब मैं कुछ बोलता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये अचीव करना है, और वो अंदर से आवाज जो है वो बोलती है कि ये संभव नहीं है। वो बोलती है कि ये संभव है, ये संभव नहीं है, ये तू कर सकता है, ये तू नहीं कर सकता, ये तूने करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मतलब वो डिसाइड करते हैं। फिर मुझे चला रहा कौन है? मुझे चलाने वाली वो अंतर मन की, सबकॉन्शियस माइंड की या अनकॉन्शियस माइंड की या अजागृत मन की आवाज है, जो आवाज मेरी पूरी जिंदगी चला रही है। और उसका इफेक्ट फिर मेरे पूरे जीवन में होते रहता है। मुझे क्या संभव है वो बताती है। समझो मैं सुबह उठता हूँ, उठने के लिए मैं समझो मैंने रात को सोने के समय मैंने अलार्म लगाया,
सुबह उठने के लिए, और मेरा रात में विचार है कि नहीं मैंने सुबह उठना चाहिए और मैंने एक्सरसाइज करना चाहिए, कसरत करना चाहिए। रात को सोने के समय तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं सुबह उठूँगा, अलार्म लगाऊंगा, सुबह उठने के बाद में वो तुरंत, मैं उठने के पहले ही वो आवाज़ चालू है, मैं जागरूक होने के पहले वो आवाज़ शुरू हो जाती है, बोलती बेटा आज के दिन मत जा, आज तू बहुत थका हुआ है, वैसा रात को तो बहुत तू लेट सोया था, अभी कहाँ जाएगा तू, दिन भर तो बहुत काम करना है, तो ऐसा कर तू और आधा घंटा सो जा, फिर सुबह एक घंटा और आधा घंटा या एक घंटा सोएगा, बाद में फिर देखना, होती है तो एक्सरसाइज कर ले, या फिर ऐसा कर कल से कर ले। तो अंतर्मन की आवाज़ जो है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ जो है, वो नकारात्मक है, जो मुझे संभव है वो मुझे करने देती नहीं है, और वो बोलती है कल कर, कल कर, कल कर। इसको बोलते हैं अक्रेसिया। अक्रेसिया नाम की बीमारी हमको है, और अक्रेसिया मतलब ये हमारे नस नस में भिनी हुई बीमारी है, और वो बोलती है कि भाई तू कल कर। प्रोक्रास्टिनेशन भी उसको बोलती है, बोलते हैं उसको, ये भी बोलते हैं कि क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम, कि आज नहीं कल कर। तो ये सोच है, इसको मैंने प्रेजेंट होना, ये जो विचार है, जो आवाज़ अंदर से कंटिन्यूसली आती रहती है, मतलब नींद में भी चालू है, ऐसा नहीं कि नींद में चालू नहीं है, जब जागृत अवस्था में तभी भी चालू है, नींद में तभी भी चालू है, सपने वहीं से आते हैं। तो मुझे एक्चुअली प्रेजेंट होना है कि जो विचार है मेरे दिमाग में, जो आवाज़ आ रही है, वो एक आवाज़ है, वो मैं नहीं हूँ। हम क्या करते हैं कि मैं और आवाज़ एक ही है, ऐसा हम समझते हैं कि वो एक ही है, हालांकि वो एक नहीं है। जब आप ये सीखेंगे कि अंतर्मन की आवाज़ अलग है, जो सोच है मेरी निगेटिव नकारात्मक वो अलग है, और मैं जो बोलता हूँ वो अलग है, ऐसे दो अलग अलग कर देंगे हम, और जिस दिन हम उसको प्रेजेंट हो जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे, मौजूद हो जाएंगे कि नहीं नहीं ये हमेशा आने वाली एक अंतर्मन की आवाज़ है, और उसको मैं जब मौजूद हो जाऊँगा, उसको एक आवाज़ करके सुनूंगा, वो सच्चा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, ये मैं जब उसको समझ लूँगा, तब फिर मुझे ये संभव है कि मैं जो बोलूँगा वो करूँगा। तो अभी आपको ये काम करना है, आपके ज़िंदगी में आप देखो कि आपको ये कहाँ कहाँ आवाज़ काम नहीं करने देती, आपकी तंगड़ी कहाँ पीछे खींचती है, कहाँ आपको बोलती है कि ये मत कर, ये तेरे से होगा नहीं, ये तेरे से संभव नहीं, ये कहाँ कहाँ बोलती है। आपका लोगों के साथ में जो रिश्ता है उसके ऊपर यहाँ इसका कैसा इम्पैक्ट हो चुका है या पड़ रहा है, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है, लोगों को आप निगेटिव तरह से मतलब तरह सुनते हो, तो ये सब आपको देखना है। जब आप देखेंगे तब आपको समझेगा कि वो अलग है, वो नकारात्मक है, उसको कुछ नहीं बोलने का है, उसको बोलने का है थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू मुझे मेरा काम करने दो। तो ये आप जब करेंगे तब आपके जीवन में कुछ भी संभव है। तो आज से ये प्रैक्टिस करो आप, कि जो थॉट्स आ रहे हैं 50,000 से 60,000 थॉट्स, मतलब जब हम बोलते रहते हैं तो हम 200 से 300 शब्द मुँह से बोल सकते हैं एक मिनट में, और ये जो आवाज़ चल रहा है ना वो 400 से 600 शब्द एक मिनट में आते, इतना फास्ट थिंकिंग चल रही है। तो उसको प्रेजेंट हो जाना, वो नकारात्मक है, उसको थैंक यू बोलना, और जो मैंने तय किया हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करना, या आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जीवन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा तो ये हमारे चैनल को लाइक करो, लोगों से शेयर करो, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। बाय।